बच्चे नू प्रॉब्लम ये सी, हार्ट बीट थोड़ी मतलब प्रॉपर नहीं सी, कदे बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती सी 50 ते, जां बहुत ज़्यादा हाई चली जाती सी 300 ते। जो मैं असी रस्ते जा रहे थे, मतलब ये सीगा वी एक बार बस सारे कोल पहुँच जाए बच्चा, मतलब इन्नी ज़्यादा कंडीशन खराब सी, पर अज बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम जी अशदीप बंसल है, मेरा नाम अशदीप बंसल है, असी मोगा तो बिलोंग करते हैं। तो जो असी इतने बच्चा लेके आए थे, बच्चा 2 दिन का सीगा, 19 जून असी इतने बच्चा लेके आए थे। बच्चे की जो उतो रैफर होया मोगा, तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है जी, क्रिटिकल सी, बच्चा शॉक च लग गया, शॉक चेगा बच्चा। तो बट इन्ना थैंक्स है डॉक्टर नवदीप का, रात को 9:30 बजे असं आए, बच्चा लैके डॉक्टर नवदीप हाजिर सी इतने, क्योंकि बच्चे नू प्रॉब्लम ये सी, हार्ट बीट थोड़ी मतलब प्रॉपर नहीं सी, करे बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती 50 ते, जां बहुत ज़्यादा हाई चली जाती 300 ते, ये ज़्यादा प्रॉब्लम सी बच्चे नू। ते सर नाल पहला गल हो गई सी चलन तो पहला, ते असी इत्थे मतलब डॉक्टर साहब हाजिर सीगे, ते रात नू 1:30 बजे तक डॉक्टर साहब सर ब्रीफ करके सारा, फिर इत्थों मैनू ब्रीफ करके फिर गए, बट 6 दिन लगे बच्चे नू थोड़ा जो रिकवरी है स्टार्ट होने में। 6वें दिन तो बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव जो रिस्पोंस होना शुरू हो गया सी, तो उस तो बाद फिर हुण अज असी मतलब डिस्चार्ज लेके जा रहे हैं। अज पूरा 1 मंथ हो गया सानू इत्थे, पहला थोड़ा इनफेक्शन, जिवें इनफेक्शन काफ़ी ज़्यादा सी, इनफेक्शन का ट्रीटमेंट किया है गया, उस तो बाद फिर जिहड़ी पीडीए की प्रॉब्लम सी, बच्चे नू पीडीए की प्रॉब्लम, वो पीडीए क्लोजर जिहड़ा किया गया डॉक्टर नवदीप जी। अच्छा जदों असी आए सीगे, मतलब लिटरली जो मैं असी रस्ते जा रहे थे, मतलब ये सीगा वी एक बार बस सारे कोल पहुँच जाए बच्चा, मतलब इन्नी ज़्यादा कंडीशन खराब सी, पर अज बच्चा बिल्कुल ठीक है। 2 दिन का बच्चा सीगा सर, असी जो लेके आए हूँ 1 महीने का हो गया जी, बिल्कुल कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे ने, कोई सब कुछ साह वगैरह प्रोपर सही लै रहा, फीडिंग पूरी तरह सही लै रहा, और 2 दिन तो साढ़े को बच्चा विदाउट किसी मेडिसिन, विदाउट किसी होर चीज़, सारी मदर नू भी मतलब सारी ट्रेनिंग दिती जाती है भी किदा बच्चे की केयर करनी है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन किदा बच्चे नू तुसी बात कराना, किदा संभालना है सारा। स्टाफ तो सर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब तुसी एनी टाइम दिन जे 6 वारी भी डॉक्टर साहब नू मिलना है या स्टाफ नू कोई क्वेरी है, तुसी मिल सकते हो पूरा सही तरीके ना, जे कोई जिवें नाल दे कहीए देखिया जिवें नहीं समझ लगती, पंजाबी च पूरा ब्रीफ कर दे भी ये प्रॉब्लम है, ये असी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब ये सर डॉक्टर साहब की बहुत वड्डी खासियत है। मैं बच्चों का हार्ट का स्पैशलिस्ट हाँ SPS हॉस्पिटल लुधियाना, साढ़े को बेबी जो आया सीगा ये अराउंड 2-3 दिन की एज आया सीगा, भ्रूण विच कुछ देखा गया सीगा कि धड़कन भी प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है बच्चे, तो जो बच्चे ने जन्म लिता है प्रीटर्म बच्चा सीगा, करीब 33 हफ्तों सीगा, वजन भी घट सीगा, 2.5-3 किलो का बच्चा सीगा, और उस टाइम पर उन्होंने एकदम बच्चा मतलब लग्या कि साह ही बहुत उखड़ रहा है, वो ब्लड प्रैशर घट रहा है, शॉक में जा रहा बच्चा, धड़कन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने फॉरन साढ़े नाल अपने नाल कंटैक्ट किया, तो उन्होंने साढ़े को बच्चा शिफ्ट करता, बच्चा आया जदों तो थोड़ी खराब हालत सीगा, ब्लड प्रैशर नहीं आ रहा सीगा, धड़कन बहुत ही वेरी कर रही थी, बहुत तेज़ कभी बहुत घट, हार्ट रुकता पिया सीगा, और होर भी कई चीज़ें होंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीगा बच्चे नू, सानू फॉरन इंट्यूबेट करना पिया, वेंटिलेटर ते पाना पिया, और सानू काफ़ी दवाइयां देनी पई बच्चे दे हार्ट नू चलाण लई, ये सिलसिला चलता रहा कोई करीब करीब 8-10 दिन, जिस तो बाद सानू थोड़ा जिहा लग्या कि बच्चा इंप्रूव हो रहा, फिर असी इहनू वेंटिलेटर तो उतारिया, और हौली हौली हार्ट दी दवाइयां भी असी घटा के बंद कीतियां, पर इस दौरान काफ़ी जिन्हों कहते स्ट्रॉमी कोर्स रहा, क्योंकि इन्फेक्शन भी रही बच्चे ये कण भी प्लेटलेट भी घट गए, और काफ़ी कुछ सानू उस तरीके ना सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी पई। फाइनली जो बच्चा अपने वेंटिलेटर तो बाहर आ गया, तो उस तो बाद असी नाल ही असी देखिया कि बच्चे एक PDA की शिकायत सी, PDA एक हार्ट के अंदर नस होंगी जी कि भ्रूण के अंदर नॉर्मली पाई जाती है, पर जन्म तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप बंद हो जाती है, अमूमन हफ्ते बंद हो जाती है, पर इस बच्चे वो चीज़ रही बरकरार रही, क्योंकि बच्चा प्री टर्म सीगा, बच्चे का वजन भी घट सीगा, और बच्चे इन्फेक्शन भी सी, शुरू असी कोशिश की कि इनू दवाइया नाल इनू ट्रीट कर दिता जाए, इनू या छोटा कर दिता जाए, बंद कर दिता जाए, पर वो हो नहीं पाया, और PDA का मंदा असर होंदा गया, और बच्चे की किडनी ते इफेक्ट पैना शुरू हो गया। फाइनली सानू ये डिसीजन लेना पाया कि इस बच्चे इसी स्टेज हुणे ही सानू इनू PDA नू बंद करन दी लोड़ पएगी। नॉर्मली असी इन्ने छोटे बच्चों च PDA साढ़े कोल असी सर्जरी राही बंद करते हैं, जिस चीरा दे के असी इनू बंद के कट दें, असी 4-5 किलो तो उपर बच्चों रूटीनली PDA बिना ऑपरेशन के छले नाल भी बंद करते हैं, पैर दी नस चो जाके इनू बंद कर देने, पर इन्ने छोटे बच्चे नू करना बहुत औखा होंदा, क्योंकि साढ़े कोल इहो जी डिवाइसिज ही नहीं हिंदुस्तान च जिहड़ी असी इन्ने छोटे बच्चों च कर सकी।
बट सानू जिवें पता चलिया कि करीब करीब 1.5-2 महीने पहले ही हिंदुस्तान ये डिवाइसिज अवेलेबल हो गई, USA च पहले मिलदिया सगिया तो साढ़े को इंडिया आ गई। फिर असी जो पेरेंट्स ने डिस्कस किया है बड़े कोऑपरेटिव से, इन्होंने भी कहा कि असं चाहवे कि नॉन सर्जिकली इस पीडीए को बंद किया जाए। अपने ये प्रोसीजर हले पूरे नॉर्थ इंडिया च नैशनल कैपिटल रीजन तो बाहर किसी ने नहीं किया और पूरे इंडिया च भी हार्डली 6-8 प्रोसीजर ही होए सके अज तक। सो इन्हों असी सारा कुछ दस्या कि बड़ी नवी प्रणाली हैगी और असी इस चीज़ करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने साड़ी पूरी सपोर्ट की। फिर असी डिवाइसिज मंगाई हैं और बच्चे जिन्ना स्टेबल हो पाया करके फिर असी इनू PDA डिवाइस क्लोजर इन न्यू बॉर्न किया, जिहड़ा कि फस्ट अपने नॉर्थ इंडिया नैशनल कैपिटल रीजन तो बाद होया। फॉर्चुनेटली परमात्मा की कृपा नाल सब कुछ ठीक रहा, बच्चा उसी दिन असी एक्सट्यूबेट मतलब वेंटिलेटर तो भी उतारता, उसकी सारी दवाइयाँ बंद करती है क्योंकि उन्होंने साह बहुत खिचवा आ रहा है। सारी दवाइया के बावजूद भी प्रोसीजर तो पहले बच्चे नूं काफ़ी खिचवा सा आ रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा से, बच्चे नूं दुध लैण दुध चुंगण च दिक्कत आ रही थी, पर जो ही डिवाइस क्लोजर हो गया उस तो अगले दिन ही बच्चा फीड प्रॉपरली लैन लग गया, साह बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बच्चे का वेट गेन शुरू हो गया। तो विद इन हूँ 72 आवर्स का तीजा दिन ही है प्रोसीजर का, तो बच्चा अज करे ठीक ठाक होकर जा रहे। तो न्यूबॉर्न च इस असं इन्ना नहीं देखते, ये जो लक्षण से है तो सह की दिक्कत सी, बच्चे का सह उखड़ रहा है, निमोनिया हो रहा है, पर यह सारी जड़ सी PDA। ये मतलब बच्चे फेफड़ों से फ्लड आ जाता, बच्चे सह लैन दिक्कत आती है, बच्चे ग्रो नहीं करते, किडनी फेलियर हो सकता, ब्रेन से इफेक्ट हो सकता, जे इन समय सिर बंद ना किया जाए तो बच्चे की जानलेवा मनिया जाता। दुखी भैन भरावां दे मसीहा पंजाब दे मशहूर ज्योतिष 50 सालों का महान तजर्बा स्वामी शुक्राचार्या महाकाली उपासक तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गरंटी नाल हर परेशानी का हल। पति पत्नी च झगड़ा, प्रेम ब्याह च रुकावट, सौदन दुश्मन का खात्मा, विदेश च पक्का होना, कीता किराया, गुप्त वशीकरण कराओ, रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा, संपर्क करो 9879-0-14-31।